पैदल चलना यानी कि वॉकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है हर हार्ट के पेशेंट के लिए। आदमी बोलता है सर वॉकिंग से क्या क्या फ़ायदा। वॉकिंग से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है हार्ट की फिटनेस में इम्प्रूवमेंट होती है, और 7 चीज़ें वॉकिंग के फ़ायदे होते हैं। वॉकिंग से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होता है, वॉकिंग से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ट्राइग्लिसराइड कम होती है, वॉकिंग से वेट कम होता है, वॉकिंग से स्ट्रेस कम होता है, और वॉकिंग से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है। तो ये 7 आइटम याद रखिएगा वॉकिंग के फ़ायदे हैं। लोग पूछते सर कितने मिनट वॉकिंग होना चाहिए। मिनिमम 35 मिनट्स पर डे होनी चाहिए। अब हार्ट के पेशेंट को वॉकिंग में किस चीज़ की ध्यान रखनी है। पहला चीज़ ध्यान रखना है वॉकिंग खाली पेट में हो। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, प्रूवन है, तो वॉकिंग आपका खाली पेट होना चाहिए। भर पेट में जब वॉक करेंगे तो आपका आधा ब्लड सप्लाई चली जाएगी स्टोमक में, आधा हार्ट को, तो शॉर्टेज के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो हर वक्त हम लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट के पहले या डिनर से पहले वॉक करेंगे तो बेस्ट टाइम रहेगा। दूसरी चीज़ है, आदमी बोलता है सर 35 मिनट्स क्यों। 35 मिनट इसलिए कि इसके बिना वॉकिंग का रिजल्ट नहीं आता है, इतना मिनिमम करना पड़ेगा। चाहे इसको स्प्लिट कर दें तो 5 मिनट एक्स्ट्रा वॉक करना पड़ेगा, पर एक साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक चीज़ आती है कि सर ये 35 मिनट जब वॉक करेंगे इसमें स्पीड कितना रहना चाहिए। देखिए स्पीड का बहुत सिंपल सी रूल है, आपको मालूम है हार्ट का पेशेंट अगर स्पीड लेगा तो उसको एंजाइना होगा, तो उस स्पीड में जाएं जहां पे एंजाइना ना हो। तो आप पहले धीरे धीरे चल के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते जाइए। एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद आपको पता चलेगा इसके बाद मेरे को या तो सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है, बस उससे थोड़ा कम स्पीड में चलना है। तो आपको एक्सपेरिमेंट कर करके पहले बहुत धीरे धीरे चलिए चींटी के स्पीड में, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए। जिस स्पीड में आप एकदम कंफर्टेबल वॉक कर रहे हो और आपको मालूम इससे ज़्यादा करूँगा तो तकलीफ होगी, वो है स्पीड। और एक चीज़ याद रखिएगा, कोई आदमी धीरे धीरे बढ़ाए, पहले दिन मान लेते हैं अगर वो नॉर्मल वॉक कर रहा है तो उसको 10 मिनट कर रहा है तो पहले 12 मिनट कर दें, एक दो दिन बाद फिर 14 मिनट कर दें, फिर 16 मिनट कर दें, ऐसे करके धीरे धीरे टाइम को भी बढ़ा सकते हैं। स्पीड पहले फाइनल कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। अच्छा एक और चीज़ पूछा जाता है, सर अभी तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, अभी तो हार्ट अटैक हुआ है, तो फिर वॉक कैसे करूँ। जब हॉस्पिटल से कोई पेशेंट डिस्चार्ज होके आता है एकदम ही बेड रेस्ट में, तो उनको हम बोलते हैं पहला दिन वॉकिंग आधा मिनट का करो, खाली पेट करो, घर के अंदर धीरे धीरे कर लो। देखिए आधा मिनट कर सकते हैं, एक दिन बाद उसको एक मिनट कर दीजिए, फिर एक मिनट क्या डेढ़ मिनट कीजिए, फिर दो मिनट कीजिए, मतलब धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए। स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, स्पीड पीछे भी बढ़ सकता है। तो जो नॉर्मल हार्ट का पेशेंट है आराम से घूम फिर सकता है, उनको 35 मिनट्स वॉक करना है। जो बहुत सीरियस पेशेंट है उनको आधा मिनट से शुरू करवाइए, पर वॉकिंग इज़ अ मस्ट। और वॉकिंग के संग जो जो चीज़ हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को बोलते हैं वो तो ध्यान रखना ही है। डाइट बिना ऑयल का होना चाहिए, नॉनवेज नहीं होनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना है, और दूध में से सारी मलाई निकल जानी है। और उसके संग योगा भी ज़रूरत है, तनाव कम होना भी ज़रूरत है, और ज़रूरत हो तो एलोपैथी की या और भी कोई दवाइयाँ ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल रखेंगे तो आप आगे स्वस्थ रहेंगे। पर वॉकिंग को भूलिए मत, वॉकिंग मस्ट है, हर हार्ट का पेशेंट को करना चाहिए। और ये बात आप सारे लोगों को बताइए, हर हार्ट के पेशेंट को पता होना चाहिए। और जो हार्ट का पेशेंट नहीं है उसके लिए वॉकिंग होनी चाहिए, और अगर वो एकदम फिट आदमी है तो मैं बोलता हूँ कम से कम 5000 स्टेप हर दिन वॉक करें, और अगर बहुत अच्छा फिटनेस चाहते हैं तो 10000 स्टेप वॉक होना चाहिए पर डे में फॉर अ नॉर्मल पर्सन हु इज़ नॉट अ हार्ट पेशेंट। तो आज यहीं पे रोकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है, हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू, और एलोपैथी की दवाई, और उसके संग कुछ नॉन इन्वेजिव इलाज भी करते हैं। हमें आपको कंसल्ट करना है तो हमारे वेबसाइट में जाके और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं आपको।